फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हरी भरी। चिकन हरी भरी के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। उस पैन में हम ये सनफ्लावर ऑयल, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, सनफ्लावर ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें फिर हम प्याज डालेंगे। हम तेल को गर्म कर लिया हमने और उसमें हम प्याज डालेंगे। कटी हुई प्याज बारीक भी काट सकते हैं और ज़्यादा भी काट सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक तरफ हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं थोड़ा ब्राउनिश होने के लिए, गोल्डन ब्राउन, और दूसरी तरफ हमने चिकन में दही मिलाया है, थोड़ा सा दही। और हम लेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करता है आप कितना चिकन यूज़ कर रहे हैं। मैंने 350 ग्राम चिकन यूज़ किया है तो उसके हिसाब से मैं ले रहा हूँ अराउंड 40 ग्राम्स ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हम मैरिनेट कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ हम मैरिनेशन करेंगे इसे चिकन को कुछ हद तक मैरिनेशन के लिए। आप चाहे तो इसमें मैरिनेशन से पहले भी डाल सकते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, मसाले वगैरह, या फिर आप बाद में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई ख़ास इशू नहीं है। ये हमारा जो प्याज है ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसको हम एक ब्लेंड, इसको थोड़ा ब्लेंड करेंगे टोमेटोज के साथ। हमने अनियंस को निकाल लिए हैं, ये अलग रख दिया हमने। अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले, चिकन में मसाले मिलाएंगे। ये देखिए, ये है गरम मसाला पाउडर, इसमें थोड़ा गरम मसाला डाला हमने। ये है क्या है, जीरा पाउडर, ये जीरा पाउडर है, थोड़ा जीरा पाउडर देंगे। और ये धनिया पाउडर, थोड़ा इसमें धनिया पाउडर मिलाएंगे। आप हल्दी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा मिर्च, ये सनराइज कंपनी की मिर्च है, आप देख सकते हैं लाल मिर्च कलर वाली, बहुत अच्छी आती है ये सनराइज़ की। आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी मिर्ची है ये पाउडर। इस कंपनी की जितनी भी मिर्ची आती है आपके खाना का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, हाइजीन है और अच्छी कंपनी है ये। इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं, मैंने डाला है नमक। हम इसको अब मैरिनेशन अच्छे तरीके से मैरिनेशन करेंगे। पूरी हमने सब कुछ डाल दी है इसमें, इसको मैरिनेट करेंगे अच्छे से। ये आपने देखा था, हमने ब्राउन किए हुए, गोल्डन ब्राउन किए हुए प्याज हमने रखे थे निकाल के अलग, अब हम इसमें डाल चुके हैं। और अब प्याज को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हम ये टोमेटो और इसके ऑनियंस के पेस्ट। ये हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जो टोमेटो और इसके ऑनियंस पेस्ट को। अब ये जो पेस्ट है टोमेटो और ऑनियंस की, इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, जब तक ये इसकी पानी ना सूख जाए और अच्छे से कुक ना हो जाए, तेल ऊपर ना आ जाए, इसको हम थोड़ा सा पकाते रहेंगे।
ये देखिए ये हमारा ग्रेवी रेडी हो गया है 80%। अब इसमें हम ये जो चिकन मैरिनेशन किए हुए रखे थे हमने, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से इसमें डाल के थोड़ा अप्स एंड डाउन कर देंगे ताकि सारे मसाले जो हैं पूरे चिकन में आ जाएं। और इसको करने के बाद इसको कवर करने से पहले, ढकने से पहले थोड़ा सा इसमें हम पानी देंगे, क्योंकि थोड़ी सी पानी जरूरी है। और वो पानी इस बोल में डालेंगे, डाल के कर देंगे। ये देखिए हमने बिस्लेरी लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसे हम तकरीबन 15-20 मिनट्स के लिए ढक देंगे। ये देखिए हम इसको कवर कर चुके हैं, ये कवर हो गया हमारा। अब ये पक रहा है, प्रोसेस में है। इसको मिड टू हाई फ्लेम में इसको हम पकाएंगे थोड़ा। देखिए हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ये पूरा गल गया है, पूरी तरीके से गल गया है चिकन, और क्रीमी टेक्सचर आ गई है इसमें। मसाले जो है ऊपर आ गए, पूरे तेल जो है आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आया है। देखिए कलर बहुत अच्छा आया है इसमें। एक इसका कमाल ये है कि सनराइज कंपनी का जो हम कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किए हैं, उस कंपनी का लाल मिर्च का भी कमाल कह सकते हैं आप। आप जब भी यूज़ करें अपने खाने में सनराइज की कश्मीरी लाल मिर्च आप यूज़ करें, सनराइज की ही यूज़ करें, बहुत अच्छी होती है सनराइज की। ये देखिए ये हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया पत्ते, धनिया पत्ता हम डाले हैं इसमें, और इसमें कुछ एक दो पीस आप ये भी डालेंगे हम इसमें मिर्च, हरी मिर्च हमने पूरी डाल दी है, धनिया के पत्ते आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है चिकन हरी भरी तैयार हो चुका है, सर्विंग के लिए रेडी है। इसे 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे, इसको दम कहते हैं। 2 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में दम देंगे, उसके बाद हमारा ये चिकन हरी भरी तैयार है। टंग 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 टंग